सब जानते हैं इंडिया में ऐसी कौन सी 10 क्रिप्टो करेंसीज हैं जो फेवरेट बन चुकी हैं इंडिया के लोगों की पास्ट के कुछ दिनों में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिन स्ट्रीट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कौन सी फेमस क्रिप्टो करेंसीज है जिनका फेवरेटनेस देखने को मिल रही है इंडिया के लोगों में, साथ ही साथ हम देखेंगे उसमें कौन सी क्रिप्टो करेंसीज इन्वॉल्व है, मीम कॉइन्स इन्वॉल्व है या नहीं, स्टेबल कॉइन्स है या नहीं, एंड बाकी क्रिप्टो करेंसीज। एंड ये सारी बातें आप सभी के लिए जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ वीडियो सो दैट यू कैन गेट ईच एंड एवरी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। सो जैसा कि हम देख सकते हैं कि लोगों की जो थिंकिंग है वो सेम नहीं होती, एंड ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमें जो हमारा फेवरेट हो वो बाकियों का भी हो। सेम विद क्रिप्टो करेंसीज, डाटा के अकॉर्डिंग कुछ क्रिप्टो करेंसीज बाकी लोगों के लिए मीन्स उनकी फेवरेट है लेकिन कुछ के लिए नहीं है। सो अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज में ऐसी कौन सी 10 क्रिप्टो करेंसीज है जो इंडिया के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है एंड वो उसमें इन्वेस्टिंग भी करते हैं। सो जैसा कि हमें पता है कि क्रिप्टो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज इन्वॉल्व होती हैं एंड रोज़ रिसेंटली कोई ना कोई ऐड होती है। ये जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बनी होती हैं, दैट इज़ अ क्रिप्टोग्राफिकली एक सिक्योर्ड लेजर होती है। सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स कंडक्ट होती हैं सभी का एक सिक्योर्ड लेजर होता है, इसमें कोई इंटरमीडियरी मीन्स बैंक नहीं होता, कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। बात करते हैं पहली क्रिप्टो करेंसीज की, जो फेवरेट है वो है बिटकॉइन। एंड अगर हम एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग देखें तो उसकी INR अबाउट 47 लाख के अराउंड होगी। ये बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यूड है, मीन्स ओल्डेस्ट क्रिप्टो करेंसीज भी है एंड बहुत ज़्यादा वैल्यूड भी है। एंड इसको कंपेयर किया जाता है विद गोल्ड, रेदर देन इन्वेस्टिंग इन गोल्ड बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन। सो जो नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी है जो कि फेमस है अमंग द इंडियन पीपल वो है टेदर। तो ये जो टेदर है इसका प्राइस चल रहा है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इन द INR वैल्यू वो है 78.72 रुपीज़। एंड ये एक स्टेबल कॉइन है, मीन्स इसमें जो फ्लक्चुएशंस होती हैं प्राइस की वैल्यू की वो ज़्यादा नहीं होती। साथ ही एक्ट करता है, ये बनता है एक कन्वीनियंट इंटरमीडिएट करेंसी ट्रेडर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी क्रिप्टो करेंसी बेचनी है ताकि आपको एक टेदर का टोकन मिल सके, सो आपको अपने जो भी वो टेदर के टोकन है उनको बेचना होगा ताकि आप एक दूसरी क्रिप्टो करेंसी को परचेज कर सकें, बाय कर सकें। लेकिन ये बहुत ही बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करती है। कई ट्रेडर्स इस स्टेबल कॉइन को इसलिए खरीदते हैं बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा मीन्स उनको स्टेबिलिटी के लिए इनको चाहिए होता है, स्टेबिलिटी बनाने के लिए उनको ये टेदर के टोकन चाहिए होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम शिबा इनू पे, जिसकी INR वैल्यू है 0.00428 एंड इसमें अक्टूबर से 145% तक का राइज देखने को मिला है। ये स्टार्ट हुआ था विद अ मीम टोकन एंड इसका जो बहुत ज़्यादा लो एक्सचेंज रेट देखने को मिला था। इट बिगेन, इसकी जो लाइफ जर्नी थी वो बहुत ही लो एक्सचेंज रेट से शुरू हुई थी एंड नाउ इसमें बहुत ज़्यादा जम्प देखने को मिला, लेकिन अभी तक वो $1 टच नहीं हुआ है। ये जो टोकन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बनी है। ये सेंस इसलिए है, इसका एसेंशियल इसलिए माना जा रहा है बिकॉज ये इथेरियम के जो ब्लॉकचेन पे बना है, इंडिया में इस $1 बिलियन वर्थ ऑफ शिब टोकन डिनोट किया गए थे इंडिया को जब इंडिया फाइट कर रहा था कोविड से बाय इथेरियम फाउंडर विटालिक बुटेरिन। सो हम बात करते हैं इथेरियम की ही, तो इथेरियम की INR वैल्यू है 3,21,300 एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, जो कि सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी है वर्ल्ड की। अगर हम बिटकॉइन को गोल्ड मानते हैं तो ईथर सिल्वर कहा जाता है। इथेरियम बहुत ज़्यादा इनोवेशन इंट्रोड्यूस कर रहा है, मीन्स इनोवेशन इंट्रोड्यूस कर अपनी ब्लॉकचेन सिक्योरिटी में, उसकी यूसेज में, साथ ही एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्लेटफॉर्म है वेरियस एप्लीकेशन के लिए। एंड ये ट्राई कर रहा है कि वो इथेरियम 2.0 लाए। ये जो टोकन है ये लुक कर रहा है कि साथ ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली की ऑप्शंस भी अवेलेबल कराए एंड जो उसके ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसको भी नीचे लेकर आया जा सके, दैट इज इथेरियम 2.0 में ये चेंजेस हमें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वजीर एक्स की। वजीर एक्स का जो है WRX की INR वैल्यू है 108.9 एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। इसकी जो सप्लाई लिमिट है वो 1 बिलियन WRX कॉइन्स की एंड आप इसको यूज़ कर सकते हो डिपॉजिट्स कराने के लिए, विड्रॉल रिवॉर्ड्स इंसेंटिव्स के लिए एंड करेंसी ट्रेड के लिए भी। एंड आपको इस पर ट्रेडिंग फीस का डिस्काउंट भी मिल सकता है 50% तक अगर आप इसको WRX टोकन्स से रिलीज करा रहे हैं। एंड हम देख सकते हैं जो वजीरेक्स है मोस्ट ट्रस्टेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एंड इसका टोकन भी फेवरेट में आता है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि एक मीम कॉइन है, डॉज कॉइन, जिसकी INR वैल्यू ₹20 एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, एंड ये 10th मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी है मार्केट में. एंड इसके जो हमें बहुत फेमस पर्सनैलिटी स्पोर्टर में हमेशा स्पोर्ट में दिखे हैं, वो है इलॉन मस्क, जिन्होंने ये भी कहा था अपने एक ट्वीट में कि इनके जो इम्प्लॉयज़ हैं, इनके अंदर जो काम करते हैं लोग हैं, इनके कंपनी दैट इज़ कार मेकिंग कंपनी टेस्ला, उनकी उनके पास भी डॉज कॉइन की होल्डिंग्स है. एंड अगर हम बात करें कि इस साल में हमें 7.623% तक का राइज देखने को मिला है, एंड देयर इज नो सप्लाई लिमिट ऑन डॉज कॉइन. बात करते हैं ट्रोन की, तो अगर ट्रोन ने अपना वो जो गोल है उसका डिसेंट्रलाइजिंग एंटरटेनमेंट का उसको अचीव कर लिया, तो 100 बिलियन टोकन्स को यूज किया जाएगा बाय ऑडियंस, ताकि वो कनेक्ट कर सके खुद को विद कंटेंट क्रिएटर्स, एंड चाहे वो म्यूजिक से, स्ट्रीमिंग से रिलेटेड हो, चाहे वीडियो से, चाहे ऐप स्टोर से, क्योंकि बहुत अच्छी बात है. एंड ये चाहता है कि ये जो को कस्टमर्स के लिए कंटेंट को लेस एक्सपेंसिव बनाए, एंड ये सारी चीजें तभी होंगी जब आप ट्रोन टोकन्स का यूज करेंगे. सो ट्रोन भी आता है इंडिया की मोस्ट फेमस क्रिप्टो करेंसीज में. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी की, दैट इज पॉलीगन, एंड इसका प्राइस है INR एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग 136. ये इथेरियम की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे बना है, एंड ये ट्राई कर रहा है कि क्रॉस चेन प्लेटफॉर्म को ज़्यादा पास में लेके आया जा सके, ताकि जो यूजर्स हैं उनको बेनिफिट हो विद मल्टीपल ब्लॉक चेन साथ ही साथ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. एंड हम देख सकते हैं कि और भी इसमें ग्रोथ आने की बाकी है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के रिलेटेड सच एज क्रिप्टो लेंडिंग एंड बोरिंग, और भी इनोवेशन देखने को मिल सकती हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डानो की, जिसका एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग INR वैल्यू है 166.3. एंड जो कार्डानो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है बाकी क्रिप्टो करेंसी से, अगर इस मुकाबले अगर उसको देखा जाए. इसकी जो ब्लॉकचेन है वो NFTs को भी सपोर्ट करती है, साथ ही साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को भी सपोर्ट करती है फॉर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यूसेज के लिए. एंड ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बिटकॉइन इथेरियम से कंपेयर करें तो ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है. अब हम बात करते हैं लास्ट क्रिप्टो करेंसी की, जो कि 10th फेमस है, 10th बहुत ज्यादा फेवरेट है इंडिया के लोगों के, दैट इज सोलाना, जिसका INR 15,550 एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग. एंड इसमें भी बहुत ज्यादा हमें पंप देखने को मिला, जब बाकी बिटकॉइन इथेरियम में हमें डाउनफॉल देखने को मिला था, वहीं ये सोलाना 10-12% हाई चल रहा था. सोलाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है इन द बूमिंग सेक्टर ऑफ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम का है, एंड ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, एंड ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है अगर हम बाकी डेवलपर्स के अराउंड इसको देखें. विद द 500 डैप्स बिल्ड ऑन द टॉप, मीन्स 500 से ज़्यादा डैप्स बन चुके हैं इसकी ब्लॉक चेन पे. जो यूजर्स हैं इनकी एप्लीकेशंस के, सोलाना की एप्लीकेशंस के, जिस पे जो ये ब्लॉकचेन्स बनाता है उनके एप्लीकेशंस के जो भी यूजर्स हैं, उनको अगर वो डेफाई मींस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं या NFT टोकन्स पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो उन्हें सोलाना के टोकन्स चाहिए. एंड हम देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है ओवर द ईयर 6 times तक इंक्रीज़ हो चुकी है. सो ये थी 10 मोस्ट फेमस एंड मीन्स जो फेवरेट है क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में. लोगों का जो इंटरेस्ट है इसको लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ इंडिया के लोगों का जो अवेयरनेस है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर उसको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. बिटकॉइन की बात करें तो वो ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूड क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें हमें जुलाई अक्टूबर की बात करें तो 117% का इसमें राइज देखने को मिला है, एंड सिर्फ अक्टूबर की थोड़े से टाइम में हमें 35% तक का मार्केट कनेक्शन सो आती रहती हैं. लेकिन जो इन्वेस्ट करना होता है हमें लंबे समय के लिए, वो क्या पता कि वो हमारी वैल्यूज़ को और ज़्यादा, हमारे जो पोर्टफोलियोज़ को और ज़्यादा इंक्रीज़ भी कर सकता है. सो आप जिस भी चीज़ में, जिस भी क्रिप्टो करेंसीज में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्लीज़ अपनी प्रॉपर रिसर्च कीजिए एंड तभी इन्वेस्ट कीजिए, एंड अपनी जो क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में जो जर्नी है उसको कंटिन्यू रखिए. दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे. वी विल कम अगेन विद अनदर इन्फॉर्मेशन. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो फिन स्ट्रीट फॉर मोर.